हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो मतलब अपन जो पत्ती की खाद जो होती है वो कैसे इजीली अपने यदि ग्राउंड है या अपना एरिया है जिसमें पेड़ पौधे खड़े हों तो वहाँ से ले सकते हैं। वो एक टेक्निक बताने वाला हूँ। अब जैसे ये मेरा गार्डन है, गार्डन क्या मेरा जो यार्ड है, और इसमें काफ़ी सारे पेड़ खड़े हैं जिनके पत्तियाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पत्तियाँ ही पत्तियाँ गिरी रहती हैं, और ये सालों से प्रोसेस चलता रहता है। अब इन पेड़ों के नीचे आप देखेंगे तो आपके फ्रूट्स या उनकी लीफ, अभी अनार की लीफ्स इसमें देखो कितनी ज़्यादा हैं, और ये देखिए कुछ कुछ फ्रूट्स भी जो पैरट्स ने तोतों ने काट के गिरा दिया है वो वाले, ये जो करुंदे का पेड़ है इसमें भी नीचे बहुत सारी लीफ हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस क्या है, सालों से चलता रहता है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इसका जो पत्तियों का डिकम्पोजिशन होता रहता है, और ये इजीली आप अपने यार्ड में यदि देखेंगे तो आपको ये मिल सकता है। अब मैंने पिछले एक दिन में निकाला है, कम से कम एक कट्टा जो है मैंने ऐसी खाद का इकट्ठा किया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो मिट्टी है जिस मिट्टी को मैंने निकाला है अभी, अब इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादातर पोर्शन लगभग 50 से ज़्यादा % इसके अंदर पत्तियाँ हैं। अब जिसमें खेजड़ी की पत्ती भी है, करुंदे की भी है, सारी पत्तियों का मिक्स है, और वो डिकम्पोज कंडीशन में आप देखिए इसको ऐसे करेंगे तो ये चूरा टाइप का हो जाता है। ये देखिए, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये पत्तियाँ अभी गल चुकी हैं और ये डिकम्पोज हो चुकी हैं, ये खाद के लिए बेस्ट है। अब इसको कि कैसे इस चीज़ को प्राप्त किया जाए, तो ये मिट्टी जब होगी तो इसमें बहुत सारी खाद होगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कंपोस्ट खाद की या फिर काउ डंग की, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। यदि आपके पास है, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपके यार्ड में है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, या आप कहीं से ला भी सकते हैं जहाँ पे, जैसे स्पेशली गार्डन्स में जहाँ पे लंबे टाइम से पेड़ खड़े हैं और उनकी पत्तियाँ वहीं गिर के डिकम्पोजिट होती हैं, वो वाली आप देख सकते हैं, तो उसके अंदर आप ये अच्छी खाद आपको मिलेगी। और इसको कैसे रिकवर करेंगे मैं आज आपको बताता हूँ। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऐसी खाद कैसे प्राप्त करें। अभी देखिए चारों तरफ इसमें लीव्स हैं और ये काफ़ी टाइम से, अभी तो मैंने थोड़ा इसका लेवल कर दिया, नहीं तो ऐसे पूरे खड्डे थे जिसमें सिर्फ यही ये खाद थी, और मैंने इसका अच्छा से उपयोग किया है, काफ़ी यूजफुल है। इसमें प्लांट बहुत ही हेल्दी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे इसको यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, ये मिट्टी का रंग कलर देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये प्योर मिट्टी नहीं है, इसमें पत्ते थोड़ा काला कलर आ जाता है क्योंकि ये डिकम्पोजिट होके, देखिए ये ऊपर की लेयर आप देखेंगे तो इसमें पता लग रहा है कि ये पूरे के पूरे ऐसे मेरे पूरे यार्ड में है। आप भी गार्डन में या कहीं भी देख सकते हैं या किसी के यार्ड में बहुत सारी जगह। अब इसमें से ऐसा करिए, आप जैसे ऊपर वाली मिट्टी को थोड़ा सा आप देखेंगे, इसमें शंख का सेल भी है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसी चीज़ें भी, आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, ये देखिए ये चीज़ें भी होती। तो आप इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से इस मिट्टी को ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने से क्या होगा कि जो ऊपर की लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा ये है, आप ऐसे कर लेंगे। अब इसको ऐसे करने के बाद में आप ऐसे करके इसको इकट्ठा कर सकते हैं काफ़ी सारी मिट्टी को, और ये आपके पास तैयार हो जाएगी, अब ये मिल जाएगी आपको। अब क्या करना है, इसमें से भी आपको यदि ये सिर्फ जो लीव्स की डिकम्पोजिशन कंडीशन में चाहिए तो इसको, इसमें से भी अपन जो सोइल है, प्योर सोइल है, उसको निकाल देते हैं। वो प्रोसेस कैसे करते हैं, एक आप 1 mm की या ऐसे एक जाली वाली ले लीजिए जिसकी साइज़ 1x1 mm हो या कुछ ऐसी टाइप की, जिससे क्या है कि जो मिट्टी है मेनली वो निकल जाएगी, जो बारीक मिट्टी है जो सोइल है वो निकल जाएगी, और उसके अंदर आपको बचेगा वो मेनली 50% डिकम्पोज खाद मिल जाएगी और कुछ मिट्टी का पोर्शन भी मिल जाएगा उसमें। तो इसको अपन, हो सकता है कुछ स्टोन्स भी हों छोटे, पर इनको अच्छे से फिर बोनसाई प्लांट में या नॉर्मल प्लांट में और अपने जहाँ पे आप गार्डनिंग करते हैं वहाँ किसी भी प्लांटों में इसको यूज किया जा सकता है। अब मैं ये आपको करके बताता हूँ। अब देखिए इसको, इसमें से ये आप, इससे मैंने एक प्लास्टिक की बोतल का ऐसा बनाया हुआ है, उससे अपन यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से, देखो मिट्टी जो है वो नीचे निकल रही है, जो बारीक मिट्टी है प्योर वो नीचे लगी थी, हो सकता है इसमें थोड़ी खाद भी होगी, बट अब देखिए, अब अपने पास जो मिले हैं, जो जिसके बड़े
कंद हैं जिसके बड़े पार्टिकल हैं, जिसमें मेनली खाद है, और वो पत्तियों की या डिकम्पोजिशन की जो डिकम्पोजिशन जो मिली हुई खाद है वो आपको मिलेगी। तो इसको आप डायरेक्टली यूज़ कीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और भी यदि आप ज़्यादा मिट्टी निकालना चाहते हैं तो इसको और थोड़ा कर्स कर लीजिए ऐसे, तो ये और हो जाएगी, उसमें अच्छी सी खाद बचेगी। पर आप ज़्यादा करेंगे तो उसमें से लीफ का वो भी निकल जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा मत करिए। और ये नीचे नीचे भी देखिए आप थोड़े निकल गए, और भी बारीक लेंगे तो भी थोड़ी अच्छी रहेगी देखिए। तो दोस्तों इसका आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि जिसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नियर बाई गार्डन नर्सरी में कहीं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ों की ये मतलब पेड़ खड़े रहते हैं और लंबे समय तक उनकी सफाई भी नीचे से नहीं हो पाती, तो क्या होता है वो उसकी पत्तियाँ गिरती रहती हैं और डिकम्पोजिट हो जाती हैं। दोस्तों यदि मैं छोटी ऐसा सोचता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें बताने से ही एक परफेक्ट गार्डनिंग का सीखी जा सकती है, तो मैं आपको जो भी मेरे दिमाग में आता है या मैं जो यूज़ करता हूँ मेरे अपने गार्डन में उनको मैं बताता रहता हूँ। तो दोस्तों ये एक टेक्निक थी, यही इसका टिप्स ऑफ द वीडियो ये है कि इसको थोड़ा छान लीजिए, जिससे अपने पास जो मिलेगा उसमें लगभग 50 से 60% आपको ये लीफ वाला वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों यदि मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो ऐसे वीडियोज आते रहेंगे कंटिन्यू, उनको देखते रहिए और आप सीखते रहिए, और कुछ सजेशन है तो मुझे बताते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।